कोपागंज थाना क्षेत्र के टोराडोरेपुर में पूर्व प्रधान द्वारा मनरेगा के कार्यों के लिए बिना भू प्रबंधन समिति एवं उप जिलाधिकारी के परमिशन लिए पोखरी खुदाई रेकनी ड्रेन जो सिंचाई विभाग मऊ के अंतर्गत आता है उसके परमिशन NOC के बगैर कार्य कराया जाना है सहित अनेकों कार्य जो पेपर तक समिति है पैसा उतार लिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर बुधवार को दोपहर जब जांच टीम गांव पहुंची तो न तो ग्राम विकास अधिकारी मिले और न शिकायतकर्ता मिले। जांच टीम ग्रामीणों से बात कर वापस जिला मुख्यालय आ गई। घोसी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा इटोराडोरेपुर में मनरेगा कार्यों में 2015 से 2020-21 तक पूर्व प्रधान द्वारा लाखों रुपए बिना कार्य कराए उतारे जाने की शिकायत को लेकर गांव के मुन्ना राजभर ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र के साथ उतारे गए पैसों की लिस्ट साथ में देते हुए जांच कराकर कार्यवाही की मांग किया था। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 सदस्यीय टीम गठित कर दिया जिसमें सहायक अभियंता और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को निर्देशित किया कि जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रेषित किया जाए। बुधवार को दोपहर जब जांच करने जिला उद्यान अधिकारी संदीप गुप्ता सहयोगी संग जांच करने पंचायत भवन पहुंचे तो ग्रामीण इकट्ठा हुए थे लेकिन ग्राम विकास अधिकारी नदारद थे जिसे अभिलेख नहीं मिल सका, शिकायतकर्ता भी नहीं मिले। जांच टीम ग्रामीणों से बात कर वापस जिला मुख्यालय चली गई।